देश विदेश भ्रमण करे लगी कैसा लगा था मंतोष चाचा? बहुत फुहार लगा था। ये जो बिजली का उत्पादन होता है जिस ट्रांसफार्मर से हमारे क्षेत्र में, वो भी अब पानी के अंदर जाने वाला है। और देखिए पानी में ही खड़ा होकर हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पानी इतना ज्यादा पहुँच गया है और यहाँ पर धार भी बहुत ज्यादा है। बहोरनपुरिया भारत से बढ़िया कोई नहीं आ सकता है, सीताराम। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग का शुरुआत पानी में हो रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं पानी में, और आज का अपडेट हमारे क्षेत्र का ये है कि आज पानी बहुत तेज बढ़ा है। और देखिए अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं पानी के अंदर है हम लोग, इतना ज़्यादा भींग गए हैं। और अभी हम लोग और आगे जा रहे हैं और वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे कि पानी कितना बढ़ा है हमारे क्षेत्र में। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, अभी यहाँ पर ही पहुँचे हम लोग, तो इतना ज़्यादा पानी के अंदर पहुँच गए हैं। और अभी धीरे धीरे और आगे हम लोग पहुँच रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग पानी पार कर रहे हैं और इतना ज़्यादा पानी हो गया है, लेकिन इसी में हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाए कि कितना ज़्यादा पानी होता है हमारे क्षेत्र में। और देखिए अभी सामने से मंतोष चाचा दूध लेकर आ रहे हैं डायरी पर से, और देखिए अभी इतना चेस्ट के पास पानी पहुंच गया है। देखिए सामने से मंतोष चाचा दूध लेकर आ रहे हैं, और ये हम लोगों से काफ़ी बड़े हैं, फिर भी इनका पानी देखिए कहां पर पहुंच गया है। चलो लो, कैसा लगा था मंतोष चाचा? बहुत फुहार लगा था। और देखिए अभी हम लोग पानी के अंदर ही हैं, और देखिए पानी के अंदर ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। हम लोग के क्षेत्र में पानी आया है, हम लोग के लिए बढ़िया है, हम लोग खूब इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन रहेगा तो दिक्कत होने लगेगा। और अभी तो बहुत आनंद आ रहा है पानी के अंदर, और देखिए पानी में ही खड़ा होकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं, और पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और बहुत ही खतरनाक जोन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चीज़ी और चीज़ी। दोस्तों देखिए काफ़ी बेहद खतरनाक स्थिति है हमारे क्षेत्र का, और इसी पानी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक पीपा पुलिया है, और उसके पास हम लोग पहुँच गए हैं, और पानी थोड़ा कम हो गया, और देखिए यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए वहाँ पर कुछ लोग उधर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग पानी में तैर रहे हैं। जो और अभी हम लोग जाएंगे और आगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारा जो घर है वो देखिए वहाँ तक पानी पहुँच गया है, मेरे घर के पास। तो पानी बहुत ज़्यादा है, बहोरनपुरिया भारत से बढ़िया कोई नहीं आ सकता है, सीताराम। पानी के अंदर कोई नहीं आ सकता है दोस्तों, सिर्फ बहोरनपुरिया आ सकते हैं। और देखिए पानी के अंदर ही वीडियो बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि सबको मोबाइल का भी डर है अपना। देख ले कूटा, देख ले वही अनुसार चलिए। और देखिए हम लोग को रास्ता का भी अंदाज नहीं मिल रहा है दोस्तों, देखिए तो इतना ज़्यादा पानी हम लोग पार कर लिए हैं। अभी हम लोग को जाना है वहाँ बांध के सामने, और पूरा पानी ही पार करना है, लेकिन निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी में। और देखिए अभी हम लोग को जाना है वहाँ पर, और जितना दूर हम लोग को जाना है सिर्फ पानी में ही चलना है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ पानी के अंदर ही है। ये जो बिजली का उत्पादन होता है जिस ट्रांसफार्मर से हमारे क्षेत्र में, वो भी अब पानी के अंदर जाने वाला है। हम बहनों सीताराम, बहोरनपुरिया भारत से बढ़िया। और हम लोग अभी आ गए हैं पानी के अंदर, मस्त नहाएंगे, साबुन वबुन लगाएंगे, सीताराम। दोस्तों अभी इतना ही पानी हो रहा है, और जहाँ से आप लोगों को वीडियो दिखा रहे थे वो हमारे घर के सामने का था, वहाँ पर इतना पानी था। और अभी हम लोग जा रहे हैं बांध पर, और थोड़ा नज़र डालिए आप लोग इधर में, बिल्कुल पानी ही पानी आप लोगों को दिखाई देगा, दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और देखिए इसी में हम लोग,
और इसी में हम लोग निरंतर पानी में अंदर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं आगे। अभी हम लोग को जाना है वहाँ पर, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है, और उसी पानी में हम लोग को आगे जाना है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं और वहाँ पर चल के आप लोग को दिखाते हैं। और देखिए भैया भी आ रहे हैं साथ में, और पीछे पीछे बिपिन आ रहा है पानी में नहाते हुए। तो जिस रास्ते को हम लोग पार कर रहे हैं देख लीजिए, अगल बगल में पूरा जंगल सा है और इसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं पानी के अंदर सांप रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खतरे का खिलाड़ी हैं और इसी पानी में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा पहुँच गया है और यहाँ पर धार भी बहुत ज़्यादा है, पानी अपने तरफ में खींच रहा है, लेकिन हम लोग पार कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज है, हाथ उठा लिए हैं ऊपर और इसी में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी हमारे ढाला जो है, हमारा ढाला उस पर पहुँच चुका है और इतना बचा हुआ है। हम लोग पानी से बाहर आ चुके हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम और लगातार पानी को पार करके बाहर आ चुके हैं और आगे अब लोग हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे में क्या हो रहा है।